और बाबूजी कपी तो बहुत छोटा है। अरे छोटा हुआ तो क्या हुआ, इस घर में छोटे बड़े सबके लिए कोटा है। और फिर कपी तो बहुत दूर की देखता है। काइट इतना रोम पे आने सुपर आने रा। चल जल्दी काइट घुमा के ना डायरेक्ट लैंड करेंगे उसके सर पर। अबे दूर हट। तुम एक काम करो, हम घुमाते हैं, तुम चरखी लपेटो। तब से लपेट ही रहे भैया। कदा प्रसाद अपना काम किया करो। रोमांस है रोमांस। और सुनो हम पीछे मूव कर रहे हैं, जब फॉलिंग हो तो बता देना ठीक है। हुई क्या? नहीं भैया नहीं। फॉलिंग हुई क्या? नहीं भैया। काइटू बॉय अवनम बॉय। कौन है बाबूजी? बाबूजी टेंशन बहुत टाइट है ना। बेटा तू ये हर वक्त बंदर की तरह क्यों आता है? क्योंकि आपने इसका नाम रखा है कपी। कपी का मतलब बंदर। क्यों मैना? हाँ तोता। हरिओम बाबूजी। हरिओम बेटा। बेटा तुम लोग अचानक सब ठीक है ना? बाबूजी वो भैया ने फोन करके कहा था कि कुछ अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है भैया जो आपने अर्जेंट फोन करके बुला लिया? अर्जेंट फोन करके बुलाया क्यों? बोल घोटा बोल। बाबूजी बोल बेटा बोल। बाबूजी हम सब एक बात से बहुत परेशान हैं, वो परेशानी की वजह है इस घर का नाम चिड़ियाघर। हाँ बाबूजी इस नाम की वजह से हमें बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। हाँ बाबूजी मैंने आज स्कूल में बच्चों को कहा कि चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों की तस्वीर बनाओ, उन्होंने मेरी तस्वीर बना दी। ये भी कोई बात है, हमारी इंसल्ट कितनी हुई क्वेश्चन मार्क। बात तो तू सही कह रहा है बेटा। भैया जाने दो ना, बच्चे हैं वो, क्यों तोता? हाँ मैना। बेटा बात तो तू भी सही कह रही है। ये दोनों सही कह रहे हैं तो आप क्या कह रहे हैं? बात तो तुम भी सही कह रहे हो दामाद जी। पर बाबूजी आज कुछ टूरिस्ट हमारे घर को चिड़ियाघर समझ के देखने चले आए, घर के बाहर फोटो भी खिंचवा रहे थे, दो तस्वीर तो मेरी भी खींची उन्होंने, ऐसे ऐसे करके। और ऐसे वाली बताइए ना, वो क्यों नहीं बता रहे हो? बाबूजी और ऐसी वाली भी एक खींची। बाबूजी उन्होंने देखो मुझे ये चने और दो केले भी दिए। बाबूजी अब तो लोग सचमुच हमारे घर को चिड़ियाघर समझने लग गए हैं। कुछ सोचिए ना प्लीज, इससे पहले कि सरकार हमें देखने का टिकट लगा दे। बाबूजी घर का नाम बदल डाली। नाम बदल दूं? हाँ बाबूजी, वैसे भी ये नाम आउटडेटेड सा हो गया है। बाबूजी, नाम बदल दीजिए। बाबूजी
5 जुलाई 1971। ये कैसा नाम हुआ बाबूजी? 5 जुलाई 1971 के दिन जब मैंने और तुम्हारी माँ ने एक दूसरे को पति पत्नी माना था, उस दिन हमने इस घर का सपना देखा था। मैं स्कूल टीचर था, तनख्वाह कम थी मगर सपना बड़ा था। मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात बच्चों को पढ़ाया, एक एक पैसा जोड़ा, लेकिन मेरी मेहनत से ज्यादा तुम्हारी मां की मेहनत थी। उसने कभी तुम लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अपना मन मार के तुम्हारे सबके मन का किया और मेरी आंखों में इस घर का सपना जीवित रखा। जब ये घर बन रहा था तो तुम्हारी मां ने खुद खड़े रहकर इस घर की एक एक ईंट लगवाई थी। धूप देखी, बारिश देखी, लेकिन इस घर को पूरा होते नहीं देख पाई। इस घर में रहना उसके नसीब में नहीं था। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ चिड़िया नारायण के नाम पर इस घर का नाम रखा, चिड़िया घर। इस घर में तुम्हारी माँ की आत्मा बसी हुई है। मगर कोई बात नहीं, अगर तुम लोग इस घर का नाम बदल देना चाहते हो तो ठीक है। तुम्हारी मां ने हमेशा तुम लोगों की खुशी ही चाही थी। मुझे विश्वास है अगर तुम नाम बदलोगे तो उसे तब भी खुशी होगी। कोई अच्छा सा नाम सोचो। मुख, इस घर के नाम चिड़ियाघर को देख रहा है तू? तो रोज देखता हूँ भैया। टट 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 टट। बस तो इसे जी भर के देख ले आज। ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, ये इसका लास्ट स्टेशन है। कुछ दिनों बाद इस घर के नाम की जगह कोई दूसरा नाम होगा। भैया कौमा, हम इस नाम को नहीं हटाएंगे, फुल स्टॉप। क्या? मेरा मतलब कौमा, इस नाम के ऊपर दूसरा नाम लिखाएंगे, डॉट डॉट डॉट। कोई ऐसा नाम जो चिड़ियाघर से मिलता जुलता हो, फुल स्टॉप। लेकिन चाहे जो कोई भी नाम हो, वो रहेगा चिड़ियाघर के नाम के ऊपर ही, ताकि माँ के नाम को भी कोई तकलीफ ना हो। छोटे, चल आके माँ से माफी मांग ले, ताकि माँ की आत्मा को भी तकलीफ ना हो। हाँ भैया, फुल स्टॉप। ये क्या? ये पानी जैसा? मुझे लग रहा है माँ की आत्मा रो रही। टॉट टॉट टॉट। हम गलत कर रहे हैं भैया। कौमा, हमें ये नाम नहीं बदलना चाहिए। कौमा, हम माँ की आत्मा को नहीं रुला सकते भैया, फुल स्टॉप। अरे ये तो पानी है। ए, कौन है ऊपर? हम हैं गद्दा प्रसाद, छत धो रहे थे। चलट, पानी मत फेंक, नीचे आ जा। तो झाड़ू और पानी का क्या करें? डाल दे हमारे सर पे। जी।
ये क्या गिरा? क्वेश्चन मार्क है? आपने दगा हमारे ऊपर डाल दिया। ये गद्दा प्रसाद, देखिए हमारा नाम गद्दा प्रसाद है, गधा प्रसाद नहीं। कृपया कर नाम का उच्चारण सही करें। हे भगवान, भले लोग हमको इस चिड़ियाघर का गधा कहें, हम सहन कर लेंगे, लेकिन इस घर का नाम बदलने मत देना। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी कामा, तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी कामा, तुमसे सुंदर कोई है फुल स्टॉप। क्या मतलब तुमसे सुंदर कोई है क्वेश्चन मार्क? तुमसे सुंदर कोई नहीं है फुल स्टॉप विद अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद। नाम बदलना है, एक नाम सोचो। तुम सोचो ना मयूरी कामा, तुम कितना अच्छा सोचती हो एक्सक्लेमेशन मार्क। मयूरी के दिमाग में एक नाम कथक कर रहा है, तिगड़धा तिगड़धा धा 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 कर रहा है, रुक ही नहीं रहा, तुम्हारे सामने है। पलंग, एक्सक्लेमेशन मार्क। पापा, पलंग निवास है। कितना अच्छा सोचती हूँ मयूरी। डॉट 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 पलंग। पलंग निवास भी कोई नाम होता है? जरा इधर देखो, कुर्सी सदन। अरे वाह, एक्सक्लेमेशन मार्क। कहाँ से आते हैं ऐसे आइडिया तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क? है कुर्सी सदन नहीं, मयूरी सदन। इस घर का नाम मयूरी सदन होगा तो कितना अच्छा होगा। आखिर इस घर की छोटी बहू हूं मैं, थोड़ी बहुत धिनक धिनक धिन धिन्ना तो कर ही सकती हूँ क्या? ये नाम इस घर में तिनक तिनक तिन धिन्ना नहीं, तांडव करवाएगा। टोटो टोटो टो। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचाने, घर याद रहे। सुनिए जी, इस घर का नाम ना कोयल की आवाज पे होना चाहिए। कोयल निवास कैसे रहेगा? कोयल निवास नहीं। क्यों? कोयल जंक्शन सही रहेगा। कोयल जंक्शन? पापा, किलो हाउस क्यों नहीं रख सकते? गिल्लू बेटा, घर का नाम घर के बड़ों के नाम पे रखा जाता है, और वो भी घर की लक्ष्मी के नाम पे। ओ, लेकिन मम्मा, इस घर में तो दो दो लक्ष्मी है, इस घर का नाम चिंची के नाम पे रखा जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए जी, सो गए। सुनिए जी, देखिए उठिए जी, उठिए ना, उठिए तो सही मेरी बात। देखिए पिताजी से बात कीजिए, कोयल निवास कोयल जंक्शन भी चलेगा। देखो तुम्हारी बर्थ कंफर्म नहीं है, तुम RAC में हो, यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। आधी बर्थ मयूरी के पास है। हाँ, अगर वो ट्रेन नहीं पकड़ सकी तो तुम्हारी बर्थ कंफर्म हो सकती है। अब इसमें तो रिश्वत भी नहीं चलेगी। हमारे इस घर के नाम की पटरी बदलनी है, संस्कार की नहीं। जो बड़े तय करेंगे उसे हमें मानना पड़ेगा, समझी? आप पिताजी को समझा दीजिए ना प्लीज। एक मिनट, मुझे मत हिलाओ, बर्थ हिलाओ, ट्रेन चलेगी तो नींद आएगी। चलो।
गिरा दोगी क्या? धीरे से। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। नाम बदल दीजिए। अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आजकल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल। कैसी हो चिड़िया, आज बहुत सुंदर लग रही हो। वैसे भी बिना चश्मे के तो तुम मुझे हमेशा सुंदर लगती थी। मुझे आज भी याद है जब सुहागरात के दिन, ना सुहागरात की रात को जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और हम दोनों ने मिलके इस घर का सपना देखा था। तुम्हें याद है वो गाना जो मैं तुम्हारे घर के सामने गाता था? एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। पापा, पापा। क्या हुआ चिड़िया बेटा? पापा, ये आदमी टाइप लड़का रोज मुझे सताता है, मुझे देख देख के एक ही गाना गा गा के पकाता है। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने। सुन भाई केसरी, तू मेरे घर के सामने घर बनाने की बात बाद में सोचना, पहले लैंड लेके तो दिखा। पता है लैंड का भाव क्या चल रहा है? अगर लैंड मिल भी गया तो सीमेंट और सरिया का भाव सुन के गिर जाएगा। इस सब के बाद भी अगर तूने घर बना लिया तो मेरा वादा है मैं अपनी चिड़िया बेटा का हाथ लेके खुद तेरे हाथ देने आऊंगा। क्योंकि आज के जमाने में जो लड़का खुद अपना घर बना सकता है वो शादी निभा सकता है, समझे केशरी? और आज ये बच्चे चाहते हैं कि मैं इस घर का नाम बदल दूं। चलो बच्चे हैं, इनकी बात का क्या बुरा मानना है। लेकिन चिड़िया,
तुम उदास मत होना, क्योंकि तुम उदास होती हो तो मैं भी उदास हो जाता हूं। और पहले तो जब मैं उदास होता था तो तुम अपने केश खोल के मुकेश के गाने बोल के मुझे मना लेती थी, पर अब तो ना तुम्हारे केश हैं ना मुकेश हैं, बस ले दे के एक वही हिमेश है। मगर चिड़िया, मुकेश के गाने हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, बस मैं तो उससे दिल बहला लेता हूं। चलो कुछ खा लो, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी कुछ खा लेता हूं। बेटा तू सोई नहीं? पापा की आंखों में अगर आंसू हो तो बेटी की आंखों में नींद कहां से आएगी? अरे वो तो ऐसी आंख में कुछ चला गया था। तो जो चला गया था वो आंसुओं के साथ अब निकल गया। चलो जल्दी से खाना खाओ। भूख नहीं है बेटा। माँ कहती थी दुश्मनी दुश्मन से करो, अन्न से नहीं। चलो अब जल्दी से खा लो, इतने प्यार से मैंने बिरयानी बनाई है, खाओ। चलो खाओ ना। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। घर का नाम बदलना है, कोई नाम सोच। चिड़िया घर से अच्छा नाम होना चाहिए। चिड़िया माँ का नाम था, माँ से अच्छा कोई नाम हो सकता है पापा? अब बेटा सब कुछ बच्चों का ही तो है, अगर वो चाहते हैं नाम बदलना है तो बदल देंगे। पर रखेंगे क्या?